हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब हम पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल होता क्या है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई फिक्स्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जो इंफिनिटी में रखा गया है। इन्फिनाइटी मीन्स होता है जिस पॉइंट को हम डिफाइन ना कर पाए उसे इन्फिनाइट कहते हैं। जैसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मीनिंग हो जाएगा ऐसा कोई फील्ड जहां जिसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया हो, उसको या तो रब करके या तो किसी अन्य सोर्स के द्वारा उसमें से हम इलेक्ट्रिफाइड कर दिए हो जिसके कारण उसमें से चार्ज हो। तो एक पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनाइटी में है, मीन्स नॉन डिफाइंड प्लेस में रखा गया है। उसको उस प्लेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचाने में जो जो वर्क किया जाता है, जो वर्क डन होता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स होता है कि कोई पॉइंट पॉजिटिव डिस्चार्ज है जो पॉजिटिव है उसे इनफिनिटी पे है, मीन्स अननोन प्लेस पे है, उसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाते हैं उसको वहां तक पहुंचाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का अमाउंट उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। यदि इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो पोटेंशियल को किसके द्वारा डोनेट करते हैं, वी के द्वारा। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो मीन्स चार्ज। यदि इस पॉइंट का चार्ज 1 कूलम है तो 1 कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो 1 वोल्ट होता है। इसको हम 1 मान लिया जाए तो 1 वोल्ट होगा। इसको यदि हम 1 नहीं मान लेंगे वर्क और वोल्ट इक्वल हो जाएंगे। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन है, देखिए इसके द्वारा हम डिफिनेशन बनाते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, मीन्स ए चार्ज to bring a discharge from infinity to a point of electric field, ये electric field है, let इसको मान लेते हैं point A है, ये point तक पहुंचाने के लिए electric field, the magnitude of discharge is called electric potential of that point, magnitude means इसका जो charge है, charge को जब q से लिख दिया जाए, ये q charge है, q zero charge है, तो इसका जो magnitude होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है। यदि ये 1 है तो 1 वोल्ट होगा, 2 रहेगा 2 वोल्ट होगा, जिस तरह का रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको होता है। इसको हम किसके द्वारा डोनेट करते हैं, V के द्वारा डोनेट करते हैं। V मींस वोल्ट होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप ये समझ गए कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल मीन्स होता है कोई पॉजिटिव चार्ज एक इंफिनिटी में रखा गया है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब इसे हम ब्रिंग करते हैं यहां तक पहुंचाते हैं, टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इनफिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन किया जाता है उसका और उस चार्ज का रेशियो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। इसे वी के द्वारा डोनेट किया जाता है और ए स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर पॉइंट हो चाहे यहाँ पॉइंट हो कहीं पर भी, यदि इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचाते हैं तो उस पॉइंट का जो भी चार्ज होता है उसे पोटेंशियल कहा जाता है। अगर पोटेंशियल समझ गए आप लोग तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे ज्यादा होता है जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब इस तरह से मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इस पॉइंट पे है, इसे हम बी पॉइंट तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल वी ए है और इस पॉइंट का वी बी हो जाएगा। तो एक पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए चार्ज ब्रिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
then the work done is equal to potential difference between two points. जब किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को कैरी करते हैं, ब्रिंग करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी की डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. मींस v इक्वल टू vv माइनस va. मींस b पॉइंट से a पॉइंट का डिफरेंस जो भी होता है वही हम पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहते हैं.